अब एक अहम खबर देखिए, अगली बार जब आप फ्लाइट में बैठे तो हो सकता है कि एयर होस्टेस आपसे मोबाइल स्विच ऑफ करने को ना कहे और ना ही फ्लाइट मोड में डालने की जरूरत पड़े। आप इंटरनेट का मजा लेते हुए और बात करते हुए पूरा सफर तय करें। कल टेलीकॉम कमीशन की बैठक होनी है जिस पर इसे लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा नेट न्यूट्रैलिटी को लेकर जो प्रस्ताव आए हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। शिव मेरे साथ मेरे सहयोगी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। शिव, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? अगर ये सुविधा मिलती है कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं और फिर भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, तो उससे बेहतर तो शायद कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कल टेलीकॉम कमीशन की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में जो है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को जो है अप्रूवल दिया जा सकता है। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी को अप्रूवल मिलने का मतलब यह है कि डोमेस्टिक एयरलाइन के जो पैसेंजर्स हैं घरेलू यात्रा के दौरान जो है वो अपने मोबाइल फोन पर जो है डेटा एक्सेस कर पाएंगे, जो कि अभी जो है अलाउ नहीं होता। जहां तक वॉइस कॉलिंग का सवाल है, अभी इसका वास्तविक स्वरूप क्या होगा, कैसे लोग जो है वॉइस कॉल कर पाएंगे, ये भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि वॉइस कॉल के लिए जो है एयरलाइंस की तरफ से जो है उनको जो एक विशेष फोन दिया जाएगा और उस फोन के माध्यम से जो है वो अपने चाहने वालों से जो है अपने परिवारजनों से जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से जो है जो दूसरा जो मुद्दा होगा वो होगा जो है ई और वी बैंड में जो है स्पेक्ट्रम एलोकेशन को लेकर के। इस ई और वी बैंड में जो स्पेक्ट्रम है उसकी मदद से जो है 1000 Mbps की स्पीड से जो है डेटा ट्रांसफर किया जाता है और साथ ही साथ इस स्पेक्ट्रम की मदद से जो है जहां पर ऑप्टिकल फाइबर बिठाने में जो है दिक्कत का सामना करना पड़ता है, खासकर जो हिली रीजन होते हैं वहां पर जो है मोबाइल कनेक्टिविटी में जो है काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा है वो नेट न्यूट्रैलिटी का है, जिसके तहत कि अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है टेलीकॉम कमीशन की तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट मोबाइल ऐप और उस पर उपलब्ध कंटेंट को लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर पाएंगे। तो देखना है कि कल की मीटिंग में क्या जो है किन विषयों पर जो है इन पर निर्णय क्या हो पाता है। ठीक है शिव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट को हम तक निकलने के लिए। तो कल की ये टेलीकॉम कमीशन की जो बैठक है वो बहुत अहम हो सकती है। हर अपडेट आपको देंगे हम जी बिजनेस पर।